साथियों, आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। और ये यात्रा, ये विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। आपको याद होगा, भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय हम देश के लिए बहुत बड़े सपने देखने वाले छोटी सी पार्टी थे। सपने बड़े थे, दल छोटा था। 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ, तब कुछ समय के लिए 10 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पार्टी का ऑफिस बन गया था और उसी जगह पे पहले अपने नानाजी देशमुख रहते थे। बहुत से कार्यकर्ताओं को 11 अशोका रोड पार्टी ऑफिस के रूप में याद होगा। इसके भी काफी समय बाद पार्टी ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हुआ। एक तरह से हमारी पार्टी की प्रगति का प्रतीक है। इस दौरान कितने ही उतार चढ़ाव आए, हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। फिर सन 1984 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच। हमने जमीन पे काम किया। हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है
जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और साथियों, आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोच भी होनी चाहिए, आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए तीन बातें हर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, हर भाजपा सदस्य के स्वभाव में होना समय की मांग है, देश की जरूरत है। वो तीन बातें क्या है? एक है अध्ययन, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। हम आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी जहां कहीं जाते थे किताबें उनके साथ रहती थी, वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी रचनाएं, उनके अध्ययन और बौद्धिक विस्तार की गवाह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपने घर में तो हजारों किताबें थी। भाजपा कार्यालय की नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए। यहां अध्ययन की व्यवस्था भी है, आधुनिकता भी है और विश्व भर का अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा भी है। मुझे विश्वास है भाजपा का ये आधुनिक कार्यालय निरंतर इन सपनों के लिए, इन संकल्पों के लिए, इस अदम्य इच्छा और उमंग के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत बनेगा।